आईपीएल में आज खेला जाएगा डबल हेडर। पहले मुकाबले में आमने सामने होगी गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। 6 में से 5 मैच जीतकर गुजरात पॉइंट्स टेबल में सबसे आगे। केकेआर ने 7 में से जीते हैं 3 मैच। आईपीएल में आज दूसरा मुकाबला आरसीबी और हैदराबाद के बीच होगा। पहले 2 मैच हारकर हैदराबाद की शानदार वापसी। 6 में से 4 मैच जीत चुका है हैदराबाद। आरसीबी 7 में से 5 मैच जीत कर देगा हैदराबाद को तगड़ी चुनौती। तूफानी फॉर्म में चल रहे राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जोस बटलर ने खेली फिर आतिशी पारी। दिल्ली के खिलाफ बल्ले से जम कर बनाए रन। बटलर इस आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बचाव में उतरे पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर। आईपीएल 2022 के सीजन में अब तक भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का ही फॉर्म खराब देखने को मिला है। गावस्कर के मुताबिक विराट और रोहित का भाग्य नहीं दे रहा है साथ। भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने आईपीएल 2022 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। भज्जी के मुताबिक लखनऊ सुपर जॉइंट्स, गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है, जबकि आईपीएल की दिग्गज टीमों को उन्होंने टॉप 4 में नहीं चुना है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रिम स्मिथ को लगता है कि राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने 2013 में ड्वेन ब्रावो और 2021 में हर्षल पटेल के सबसे ज्यादा 32 विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ने की पूरी क्षमता रखते हैं। चहल साल 2022 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इंग्लैंड के पूर्व ऑफ स्पिनर ग्रिम स्वान को लगता है कि 4 बार की चैंपियन चेन्नई से हारने के बाद मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में पहुंचने के चांस कम लग रहे हैं। मुंबई 7 हार के साथ टेबल में सबसे नीचे है। इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान इयॉन मॉर्गन ने साफ किया है कि वो अगले टेस्ट कप्तान की दावेदारी का हिस्सा नहीं है। अप्रैल में जो रूट के इस्तीफे के बाद ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को नए कप्तान पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। पाकिस्तान की पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं। आमिर ने काउंटी चैंपियनशिप में ग्लॉस्टर शायर के साथ 3 मैचों के समझौते पर साइन किया है। आमिर को नसीम शाह की जगह टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी ने काउंटी क्रिकेट में भी अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखा। मिडिल सेक्स की ओर से काउंटी क्रिकेट में डेब्यू करने वाले आफरीदी ने अपना पहला विकेट मार्नस लाबुशेन का लिया। हाल ही में शाहीन ने लाबुशेन को अपने देश में भी खूब परेशान किया था। धमाका प्रेजेंटेड बाय राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद।